Hello everyone, welcome back to my channel Artistry by Meher. So today's video is all about Brazilian keratin. तो जो आज हम केराटीन करने वाले हैं वो नॉर्मल केराटीन से डिफरेंट होने वाली है. ये ब्राज़ीलियन केराटीन है, कैडीव्यू का है ये ब्रांड और देख सकते हो आप इसमें ब्राज़ील काकाओ लिखा हुआ है. तो इसके तीन स्टेप्स होते हैं. तो आज मैं आपको डिटेल नॉलेज देने वाली हूँ कि नॉर्मल केराटीन और ब्राज़ीलियन केराटीन में फ़र्क क्या है. और हाँ, इसको आप जो नॉर्मल केराटीन होता है वैसे हमें 3 दिन तक के लिए इसे नहीं रखना पड़ता, इसका सेम डे वॉश होता है. तो आज मैं आपको बताऊंगी इसका क्या प्रोसीजर होता है. तो सबसे पहले हम हेयर वॉश करवा लेंगे. मैंने स्क्रीन में आपको प्रोडक्ट डिटेल दे दी है. ये 3 स्टेप्स में आता है. पहला इसका जो होता है शैम्पू होता है, दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट होता है केराटीन का, और थर्ड जो होता है ये इसका मास्क होता है. मास्क को हमें अभी यूज़ नहीं करना है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे. तो अभी फर्स्ट नंबर का है हमारा ये शैम्पू. तो इससे हम अच्छी तरीके से अपने क्लाइंट का हेयर वॉश करवा देंगे. तो अच्छे अमाउंट में आपको शैम्पू यूज़ करना है और अच्छी तरीके से मसाज करते हुए हमें शैम्पू करना है. और इसके ऊपर से हमें मास्क अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करके हम अपने जो हमारा क्यूटिकल हमने ओपन किया हुआ है वो बंद हो जाएगा, तो वो फिर हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं वर्क कर पाता. तो हमें सिर्फ यहाँ पे शैम्पू करना है. आप अच्छे से 2 बार शैम्पू करवा लो अकॉर्डिंग टू आपके क्लाइंट के हेयर में पहले से ऑयल है कि नहीं. अगर साफ़ है तो 1 बार भी चलेगा, मगर आप शैम्पू करवाने के बाद उन्हें 2 मिनट ऐसे ही शैम्पू के साथ रहने दो, ताकि जो हमारी क्यूटिकल है वो अच्छी तरीके से ओपन हो जाए. उसके बाद हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर ब्लो ड्राई कर लेना है. तो इस प्रोसेस के पहले हमें 95% अपने बालों को ड्राई कर लेना है. तो ये जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो रफ़ हेयर के लिए, फ्रिजी हेयर के लिए होता है. तो जैसे कि आप देख सकते हो क्लाइंट के मेरे बाल रफ़ हैं. इन्होंने पहले एक दो साल पहले शायद इन्होंने परमानेंट स्मूदनिंग भी करवा रखी थी. उसके बाद इन्होंने शायद अपने बालों की अच्छी तरीके से केयर नहीं करी, जिसके वजह से काफ़ी स्प्लिटन, काफ़ी फ्रिजीनेस और काफ़ी रफनेस हो गई थी बालों पे. तो आज हम इनके बालों पे ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे. इससे इनके बाल काफ़ी शाइनी और मैनेजेबल हो जाएंगे, काफ़ी स्मूद हो जाएगा. एक अच्छा प्रोटीन हम इंड्यूस करवा देंगे इनके हेयर. इस वाले केराटीन का जो प्रोसीजर होता है वो नॉर्मल केराटीन से बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरी देखें, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले. आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और काफ़ी नॉलेजफुल वीडियोस मैं शेयर करती हूँ आपके साथ. अभी अभी मैंने नेल आर्ट का भी काम स्टार्ट किया है, तो उसकी भी मैंने 2-3 वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है. तो आप उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिए. कुछ वीडियोस के लिंक मैं ऊपर आई बटन पे शेयर कर दूंगी. अगर आपको देखना होगा तो आप वहां से जा कर के क्लिक करके देख सकते हैं. अभी यहां पे मैंने बालों को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, ताकि हम अच्छी तरीके से उसे ब्लो ड्राई कर सकें. और बालों को सेक्शन वाइज करने का फ़ायदा ये भी होता है कि बाल आपस में उलझते नहीं हैं और हम जो काम कर रहे होते हैं ना, वो हैसल फ्री हो जाता है. तो हमें यहाँ पे प्रॉपरली ब्लो ड्राई करना है, बालों को अच्छी तरीके से ड्राई करना है. गीले बालों पर हम ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करेंगे. तो फटाफट से हम ब्लो ड्राई कर लेते हैं सारे बालों को अच्छी तरीके से. हेयर्स को हमने पूरी तरीके से ड्राई कर लिया है. देन बारी आती है हमारा 2nd नंबर का, ब्राज़ीलियन थर्मल रिकन्स्ट्रक्शन, जो हमारा केराटीन क्रीम है वो अप्लाई करने का. तो इसे अप्लाई करने से पहले आप हाथों में ग्लव्स वेयर कर लें और मास्क वेयर कर लें, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा फ्रेग्रेंस होता है वो हार्ड होता है, तो आपको आँखों से आंसू आ सकते हैं. तो आप अपने क्लाइंट को भी वेयर करवा लें. और एक बात, हम पूरा 1 बार में क्रीम नहीं निकालेंगे बोल पे, बिकॉज़ मेरा मानना है कि वो
एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ना क्रीम का जो पार होता है वो थोड़ा कम होने लगता है, इसलिए हम थोड़े थोड़े मात्रा में ही क्रीम निकालेंगे बोल पे जितना हमको ज़रूरत होगा। प्लस इसका एप्लीकेशन करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बाकी केराटिन में हम क्या करते हैं, हाथों से इमल्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि 3 डॉट में अप्लाई करने के बाद उसे अच्छी तरीके से फिंगर्स की हेल्प से इमल्सिफाई करते हैं, बट ब्राज़ीलियन केराटिन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे आप सिंपली 3 और 4 डॉट में क्रीम अप्लाई करो या जितना आपके बालों को नीड हो, उसके बाद हमें कोम की हेल्प से यहाँ पर इमल्सिफाई करना है, यानी बस कोम को चलाते जाना है और इमल्सिफाई करना है। हाथों का यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो क्रीम होता है वो थोड़ा सा लिक्विडी होता है, हल्का सा ऑयली टेक्सचर होता है, तो वो बढ़िया से इसमें इमल्सिफाई हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कोम के थ्रू आप कर सकते हो और कोम के बैक साइड से आप एक बार अच्छी तरीके से उसको मर्ज आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे फटाफट से हमारा क्रीम अप्लाई हो जाता है। मैं आपको आगे 2-3 सेक्शन में और स्लो तरीके से क्रीम एप्लीकेशन करके बताऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पीड को इंक्रीज़ करने वाली हूँ क्योंकि पूरे हेयर्स पे एप्लीकेशन करके दिखाना वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ना थिक सेक्शन, बहुत थिक भी नहीं, हल्का सा थिक सेक्शन ले सकते हो। और क्रीम जैसे मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे लग रहा है थोड़ी थोड़ी दूर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद कोम के हेल्प से मैं इस तरीके से इमल्सिफाई कर दे रही हूँ। फिर अगर बाद में मुझे लगेगा कि हाँ क्रीम यहाँ पे कम है तो ही मैं क्रीम लूँगी। अब बहुत ज़्यादा क्रीम हमें एक बार में अप्लाई नहीं करना है, उससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि क्रीम कहीं जाने वाली नहीं होती, हमें अच्छी तरीके से उससे इमल्सिफाई करके एब्जॉर्ब करवाना होता है। और स्कैल्प को यहाँ पे आप छोड़ दें, एकदम से स्कैल्प में मत लगाएं क्योंकि बाद में फिर डैंड्रफ होने के चांसेस रहते हैं, तो बिल्कुल से स्कैल्प में मत लगाएं, सिर्फ लेंथ पे ही लगाना है। हमारा 1/2 इंच जो स्कैल्प है उसको छोड़ करके हम पूरे बालों पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर दी है, यहाँ पे मैं टाइम लैप्स में वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। देन पूरी अच्छी तरीके से हमारा क्रीम अप्लाई हो गया है। अब मैं इसे कोम करके पूरी बैक साइड पे लूँगी, और चाहे तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसे ही क्लचर लगा करके भी छोड़ सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो, अच्छे से हो, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्लिंग रैप यूज़ करूँगी इनके पूरे हेड पे और पूरे बालों को अच्छी तरीके से कवर करूँगी। आप चाहे तो फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिंग रैप का यूज़ कर रही हूँ। जो फूड पैकिंग के लिए जो क्लिंग रैप आता है ना, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम पैक करते हैं इस तरीके के रोल में, वो क्लिंग रैप आपको लेनी है और उससे अच्छे तरीके से इस तरीके से पूरे बालों पर हम कवर कर देंगे और जहाँ पे रह जाएगा वहाँ पे हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है और क्रीम जो है हमारी वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। तो इन सभी ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें ना हीट की ज़रूरत होती है, नेचुरल हीट की। और एक सजेशन दूंगी, आप ये सारा ट्रीटमेंट करते वक्त एसी बिल्कुल भी ना चालू करें अपने सैलून में, और अगर फ़ैन आप चालू कर भी रहे हो तो उसे बिल्कुल लो में रखें क्योंकि हवा के थ्रू इसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो एक ये भी पर्पस होता है हमारा क्लिंग रैप या फॉइल पेपर रैप करने का कि उसे प्रॉपरली हमें हीट मिले। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं क्लिंग रैप पूरी तरीके से इनको लगा दूंगी और इसे हमें 45 मिनट्स के लिए छोड़ना है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लो ड्राई कर दूँगी इनके सर पे, जिससे कि प्रोसेस हमारा जल्दी फास्ट हो जाए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ब्लो ड्राई करूँगी, बस 1-2 मिनट ही करना है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हमें 45 मिनट्स का वेट करना है। 45 मिनट्स के बाद हमें आगे ब्लो ड्राई वगैरह करना है, तो मैं बताऊंगी। नॉर्मल केराटिन की तरह यहाँ पे हमारा ब्लो ड्राई और आयरन करके ख़त्म नहीं होगा, इसमें थोड़े और भी प्रोसेस आगे हम ऐड करेंगे, तो उसे देखते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे 45 मिनट्स हो गया है और मैं क्लिंग रैप रिमूव करने से पहले एक बार वापस से ब्लो ड्राई कर रही हूँ, जस्ट 30-60 सेकेंड ही दूंगी मैं, जिससे रहा जो कसर रहेगा वो भी निकल जाएगा और अच्छी तरीके से बाद में मैं प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करवाऊंगी ब्लो ड्राई करते हुए। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ना कोल्ड ड्राई किया था, यानी ठंडी हवा दी थी, एकदम से हमें हीट नहीं देना है।
तो 10 मिनट तक मैंने कोल्ड ड्राई किया, देन सेक्शन किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे हॉट ब्लो ड्राई दिया। हॉट ब्लो ड्राई से जितना प्रोडक्ट मुझे एब्जॉर्ब करवाना था मैंने करवाया। अब बारी आती है मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि होती है आयरनिंग, यानी जो हम स्ट्रेट करते हैं ना, तो आयरनिंग करनी है हमें बहुत ही फाइन, बहुत ही नीटली, और समय लेकर के हमें करना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने आयरनिंग अच्छी नहीं की तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपके सर पे ही रह जाएगा, बालों पे ही रह जाएगा, वो अच्छी तरीके से इन्फ्यूज नहीं हो पाएगा बालों के अंदर। हमें अच्छी तरीके से आयरनिंग करनी है। 10-15 बार आप ऊपर के सेक्शन में आयरनिंग करो, देन मिडिल के सेक्शन में, देन नीचे का जो हमारा लेंथ आता है उस पर। तो बहुत ही पेशेंटली, बहुत टाइम लेकर के हमें यहाँ पे आयरनिंग करनी है, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जो फाइन फाइन सेक्शन है आप लो, उसके बाद आयरनिंग करो। तो यहाँ पे मैं आपको 3-4 सेक्शन आयरनिंग का दिखा दे रही हूँ नॉर्मल स्पीड में। उसके बाद हम अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगे, बिकॉज अगेन पूरा आयरनिंग, बिकॉज ये टाइम टेकिंग होता है, तो 1 से 1.5 घंटा या कभी कभी 2 घंटा भी लग जाता है आयरनिंग करने में। तो पूरा प्रोसेस वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है। मैंने केराटिन के ऊपर अपने चैनल पे और भी 2-3 वीडियो शेयर करी हुई है, उसमें मैंने प्रॉपर आयरनिंग और ब्लो ड्राइंग करके बताया हुआ है। तो वो मैं ऊपर आई बटन में आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो हम फटाफट से यहाँ पे आपको आयरनिंग दिखा देते हैं। आयरनिंग हमें बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, और जो आप आयरनिंग मशीन लो ना, वो भी आप अच्छे ब्रांड का लो, मिस्टर बार्बर या आइकॉनिक का लो, और टाइटेनियम प्लेट होनी चाहिए उसकी, या तो सिरेमिक प्लेट होनी चाहिए, जिससे कि आयरनिंग बहुत अच्छी होती है, टेम्परेचर भी अच्छा होता है उसमें। तो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो जब हमने क्रीम अप्लाई करने के बाद, जो फर्स्ट हमने ये जो अभी ब्लो ड्राई किया था, कोल्ड ड्राई देने के बाद जो हमने हॉट उसके बाद जो हमने हॉट ब्लो ड्राई दिया था ना, उसमें भी हमको मीडियम ही अपना हीट रखना है, हाई हीट में नहीं देना है। बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बालों को रिपेयर कर रहे हैं, तो अननेसेसरली ज़्यादा हीट दे करके अपने बालों को डैमेज ना करें। मतलब क्रीम लगाने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर हम उतना ही हीट दे रहे हैं। तो वहाँ पे मीडियम हीट में आप ब्लो ड्राई दें। और यहाँ पे जब मैं आयरनिंग कर रही हूँ ना, तो आयरनिंग भी मेरी मीडियम हीट में है, यानी कि मैंने 200 पे अपना आयरनिंग का हीट जो है वो मेंटेन करके रखा था, और उसके बाद मैं यहाँ पे हीट दे रही हूँ। और बालों की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना हीट दे रहे हो। अगर वर्जिन हेयर हैं, हेल्दी हेयर हैं, तो आप अपना हीट इंक्रीज़ भी कर सकते हो 210 या 220 पे। बट इनके ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड हेयर थे, काफ़ी डैमेज हो गए थे, तो हमने यहाँ पे हीट अपनी जो है 200 पे ही डाल के रखी हुई थी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट क्लाइंट के हेयर को ख़राब करने से बेटर है कि वो जो ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं, हम उस ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, और थोड़ा सा हीट को अपने जो है वो मेंटेन करके रखें। हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट इट विल ऑल वर्थ इट जब हम इसका आउटकम देखेंगे। तब हम फटाफट से आयरनिंग कर लेते हैं, और मिलती हूँ मैं आपको आयरनिंग के बाद। सो आयरनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा रिज़ल्ट आया है आयरनिंग के बाद का। तो यही होता है जब हम बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली आयरन करते हैं। अभी हमारा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें बालों को
पूरा ठंडा हो जाने देना है, यानी जो हेयर है हमारे आयनिंग की जो हीट है वो निकल जाने देनी है प्रॉपरली। जब ठंडा हो जाएगा तो हमें आगे का प्रोसीजर करना है। बट मैं दिखाना चाहती थी कि हमारा कितना प्रॉपरली रिजल्ट आया है, कितना अच्छा हमारा रिजल्ट आया है जस्ट आफ्टर फर्स्ट आयनिंग। इसके बाद का तो प्रोसेस हमारा अभी बचा हुआ है। तो यही होता है, जब आप अच्छी तरीके से आयनिंग करो, अच्छी क्वालिटी की आयनिंग मशीन से आप आयनिंग करो, टाइम लेकर के करो। ब्राज़ीलियन केराटिन में क्या होता है, आपको सेम डे वॉश करना होता है, यानी कि यहाँ तक का प्रोसेस हमारा सेम रहता है। यहाँ के बाद हमें बालों को प्रॉपरली ठंडा हो जाने देना है, यानी तुरंत जो आयनिंग करने के बाद कुछ जो हीट रहती है वो प्रॉपरली अच्छे से ठंडी हो जाए। देन हमें यहाँ पे आगे का प्रोसेस करना होता है, यानी जो कंडीशनिंग वगैरह करनी होती है। तो हुआ क्या था, मेरी क्लाइंट के पास बिल्कुल भी समय नहीं था, सेम डे वो वॉश नहीं ले सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस। ऑलरेडी 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो हमने इन्हें सेकेंड डे मॉर्निंग में वॉश के लिए बुलाया था। तो यहाँ पे पहले हम जो हमारे बालों पे जो भी प्रोडक्ट लगा होता है ना, उसे अच्छी तरीके से प्लेन वाटर से रिंस आउट कर लेना है। देन जो थर्ड वाली जो हमारी क्रीम थी, जो मास्क था, वो अप्लाई करना है बालों को इस तरीके से हल्का सा मसाज देते हुए। 2 से 5 मिनट के लिए हमें छोड़ना है शैम्पू स्टेशन पे ही, उसके बाद हमें अच्छी तरीके से रिंस आउट कर लेना है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हमारी क्लाइंट के पास टाइम नहीं था, दैट्स वाई वी आर वॉशिंग इट ऑन अनदर डे। बट आप सेम डे वॉश कर सकते हो, सेम डे ही वॉश करना होता है। ये केराटिन का ये कंपनी के साइड से ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं सेम डे वॉश का। लेकिन अगर इन केस आपकी क्लाइंट को या आपको कोई इमरजेंसी होती है तो आप सेकेंड डे भी वॉश कर सकते हो। क्या होगा, रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो हम अच्छी तरीके से हेयर वॉश करवा लिया हमने, शैम्पू का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ कंडीशनिंग का यूज़ करना है जो मास्क उसका दिया होता है। और आगे भी आपको सेम कंपनी का मास्क एंड कंडीशनर एंड शैम्पू यूज़ करने के लिए अपने क्लाइंट को बोलना है। तो ये देखिए, हमारा बाल पहले जब हमने ब्लो ड्राई किया था ट्रीटमेंट के पहले तो कैसे फ्रिजी हेयर थे, और अभी जब हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं तो कितने स्मूथ, सिल्की, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर हैं। तो यही है गाइस आफ्टर रिजल्ट, और आई होप आपको इसका प्रोसीजर अच्छा लगा हो। हाथों से इमल्सिफाई नहीं करना है इसको, सिर्फ कोम के थ्रू आपको फटाफट से इमल्सिफाई करना है, पूरे बालों पे अच्छी तरीके से लग जाता है। देन इसे 3 दिन यानी 72 आवर्स के लिए भी हमें नहीं छोड़ना है, सेम डे वॉश का प्रोसीजर होता है। एक दिन में ही आपको केराटिन का अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, और इसकी लॉन्ग लास्टिंग हमें 5 से 6 महीने के लिए होती है। और आप कितनी अच्छे से अपने बालों की केयर कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, तब तो ये 7 से 8 महीने भी अच्छे से ये ट्रीटमेंट जाता है। तो हमें अपने क्लाइंट को बोल देना है कि सेम कंपनी का मास्क एंड शैम्पू यूज़ करना है, यानी कंडीशनर एंड शैम्पू यूज़ करना है। और इसके बाद हमें कोई भी अपने बालों को क्लचर नहीं लगाना, या कान के पीछे नहीं करना, या स्वेट नहीं आने देना, ऐसा कोई भी रूल हमें फॉलो नहीं करना है। आप जो मर्जी चाहे आप वो कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिनको ये ट्रीटमेंट करवाना है उनके साथ शेयर ज़रूर कर दें। टिल देन इन्जॉय द प्रोसेस, इन्जॉय द वीडियो। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।